अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की बड़ी ही बचत करने वाली हूँ, यानी टूटे फूटे ब्रोकन हाइलाइटर्स के साथ हम ऐसी एक गेम करेंगे जिससे आपकी बड़ी बचत होने वाली है। यानी कि हम बनाने वाले हैं लिक्विड हाइलाइटर्स, जो कि हमें घर की ही चीज़ों से बनाएंगे और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले है मेरे पास मिस रोज़ का, जो कि मेरे बिल्कुल दिल की तरह टूटा फूटा हाइलाइटर है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं फेंका, उसको मैंने संभाल के रखा हुआ था यही सोच के कि मैं इससे कुछ ना कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पर है मेरे बस ग्लैमरस का, ये 3-in-1 है, इसमें शिमर है और हाइलाइटर भी है और ब्लश ऑन भी है। बहुत ही अच्छा और परफेक्ट कलर है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इन दोनों को जो है वो रखा हुआ है और इससे अब हम बनाएंगे लिक्विड हाइलाइटर। उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल और इस तरह से फ्लैट ब्रश, कोई भी ब्रश आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट ज़्यादा ईजी रहता है मिक्सिंग के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी डेड स्किन को भी रिपेयर करता है और एक्नी स्कार्स को भी रिमूव करता है। यहाँ पे हमें चाहिए 2 टीस्पून, आप लोग थोड़ा कम या ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के मुताबिक बना सकते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ये जो है वो लिक्विडी सा हो जाए। एलोवेरा जेल और बाकी तमाम चीज़ें हम ऐसी यूज़ करेंगे कि जो कि हमारी स्किन को हार्म नहीं करेंगी, हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है और वैसे भी स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है अगर हम इसको इसी तरह भी स्किन पर अप्लाई करें। तो हम सारी वो रेमेडीज़ और रेसिपीज़ बनाएंगे जिससे हमारी स्किन बिल्कुल भी ख़राब ना हो और हम इसको किसी भी टाइम बगैर मेकअप के या मेकअप के साथ यूज़ कर सकें। अक्सर लोगों को जो है ना वो मेकअप से छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो वो अगर पहले मेकअप से पहले आइसिंग कर लें और इस टाइप की कोई रेमेडी कर लेना तो बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद हम अपना कोई भी फेवरेट हाइलाइटर इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर इस तरह से पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, ये तो खुद ही सही पाउडर बन गया था, मैंने बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाया था। लेकिन आप लोगों ने है, अगर आप लोग के पास मतलब सही पैलेट पड़ी हुई और आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग उसको थोड़ा सा ना क्रश कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में इतना कोई ज़बरदस्त फेस वॉश सिखाया है बनाना, वो आप 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो स्क्रब भी है और फेस वॉश भी है। इसके बाद हम डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है वो रिड्यूस करता है रेडनेस को। किसी किसी को मेकअप से रेडनेस हो जाती है ना, तो वो रेडनेस को दूर करेगा, आपके चीक्स पे रेडनेस नहीं होगी। तो लिक्विड हाइलाइटर के अलावा आप लोग इससे शिमर भी बना सकते हैं, यानी कि बॉडी के लिए आप लोग इसके अंदर डाल दें ऑयल, यानी कि कोई भी बेबी ऑयल आप इसके अंदर डाल दें और स्प्रे बॉटल में डाल दें तो आप लोग के पास अच्छा खासा बॉडी शिमर आ जाएगा। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो, थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और कोई भी कलर आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि इसी की टोन का हो। तो थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे इस तरह से क्रश करके और मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि दोनों चीज़ें बिल्कुल मिक्सअप हो जाएं और कलर डिफरेंस ना रहे। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्वैच करके। ये देखिए, थोड़ी सी अमाउंट में मैंने इसको यूज़ किया और ज़बरदस्त सा हाइलाइटर है, इतना ड्यूई, इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। अब जो पाउडर वाला है वो मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। अब मैं आप लोगों को स्वैच करके दिखाती हूँ पाउडर वाला। ये देखें, ये इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में भी लगेगा और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ये लाइट होगा और जो लिक्विड वाला होगा वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा आपके मेकअप को। तो अब मैं ये पिंक वाला आपको दिखा देती हूँ, ये भी मैंने बनाया हुआ था, तो आप लोगों को इसका स्वैच करके दिखाती हूँ। सेम रेमेडी, सेम रेसिपी के साथ मैंने ये बनाया है और जी जनाब, देखें कितना मज़े का, कितना हाइलाइटेड कर रहा है आपके, मतलब आप अगर इसको अपने चीक बोन्स पे लगाएंगे तो देखें आपका मेकअप कितना प्यारा लगेगा। तो कोई भी अपना फेवरेट हाइलाइटर आप लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, आपका मेकअप बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस वाज़ेहा है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। और किसी ने भी अगर मेरा फेस वॉश बनाया है और अगर अभी तक नहीं बनाया है तो काइंडली उसको बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। और अगर ड्राई स्किन है तो आप लोग उसको क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रेश मिल्क की क्रीम होती है ना उसके साथ। तो ये राजी पिंक वाला टूटे फूटे ब्रोकन हाइलाइटर्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बहुत सी चीज़ें जो है वो घर में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट अच्छे अच्छे रेसिपीज़, रेमेडीज़ और व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।